शिमला जिले के रामपुर बुशहर में हर साल नवंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन किया जाता है। इससे पूर्व 4 से 6 नवंबर तक अशु प्रदर्शनी का पशुपालन विभाग की ओर से आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों का अशु व्यापार होता है। बाहरी राज्यों से तिब्बती नस्ल के चौमूर्ति घोड़े क्रय करने के लिए व्यापारी आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण अशु प्रदर्शनी को एहतियातन स्थगित कर दिया गया है। बावजूद इसके उत्तराखंड से 7 दर्जन से अधिक अशु व्यापारी रामपुर पहुंचे हैं और वे हिमाचल के अन्य हिस्सों से आने वाले घोड़ों की इंजरी में है, खासकर स्पीति से आने वाले जो चौमूर्ति नस्ल के घोड़े हैं। हालांकि स्पीति के करीब 40 घोड़े रामपुर बिक्री के लिए लाए गए थे, वे हाथों हाथ मुंह मांगे दामों पर ही बिक गए। ब्रिजमणि गौर ने बताया कि वे उत्तराखंड से आए हैं, हर साल यहां घोड़े क्रय करने के लिए आते रहते हैं। इस बार उन्हें घोड़े नहीं मिल पाए, अब वे खाली ही बैठे हैं। सिर्फ 34-35 घोड़े आए थे, वे सभी खरीद लिए गए हैं। बस कुछ लोगों ने घोड़े ले गया, हम खाली बैठे हैं। बस जब तक घोड़े नहीं आते हम खाली ऐसे कैसे जाएं। महंगा घोड़ा कितने में गया? महंगा घोड़ा यहाँ से जो है कम से कम 65 में गया। तो कितने लोग आए थे? हम तो 7-8 लोग आए थे जी। परशुराम नोटियाल ने बताया कि वे उत्तराखंड से आए हैं, उनके साथ 30 से 35 साथी अभी भी घोड़े खरीदने के लिए इंतजारी में हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पिन वैली से घोड़े आए थे, कोरोना महामारी की वजह से घोड़ा विक्रेता नहीं आए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जैसे भी घोड़े मिल रहे हैं खरीदना मजबूरी है। मैं उत्तराखंड से टिहरी जिले डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, मेरा नाम परशुराम नोटियाल है और हम कई सदियों से पिछले पूर्वजों से घोड़े लेने के लिए रामपुर आते थे। 200 साल से मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन इस साल क्या हो गया कि लॉकडाउन की वजह से जो है घोड़े स्पीति वालों ने नहीं ला पाए और न लाने की वजह से हम जो है मजबूरन यहाँ खाली हैं और जैसा मिल रहा है वैसा ही ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम जो है ऊपर से पिनबिली वाले घोड़े नहीं ला पाए। तो मेरा घोड़े वाले व्यापारियों से ये अनुरोध है कि वो 3-4 दिन के अंदर घोड़े ला सकते हैं, तो हम लोग यहीं पे इंतजार कर रहे हैं, कम से कम 35-40 हो गए। पीएल गौतम ने बताया कि वे उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड से आए कुछ लोगों ने तो घोड़े खरीद लिए हैं, लेकिन अधिकतर घोड़ा क्रेता खाली ही बैठे हैं। इस बार घोड़ों के मुंह मांगे दाम विक्रेताओं को मिल रहे हैं, सबसे महंगा घोड़ा 65,000 में बिका है। वे घोड़े बेचने वालों से अपील कर रहे हैं कि घोड़े लेकर आए, उनकी वे इंतजार कर रहे हैं। हम लोग उत्तराखंड से आए, मेरा नाम पीएल गौतम है और हम लोग यहाँ हर साल घोड़ों के लिए आते हैं, पित्ते घोड़े लेके जाते हैं, कुछ लोग अपने अपने पसंद के घोड़े लेके जाते हैं ऐसे जो जो जिसको पसंद हो, और इस साल घोड़े कम आए हैं और इसलिए जो है घोड़ों का रेट भी बहुत टॉप रहा। तो मैं भाई लोगों से निवेदन करता हूँ घोड़ों वालों से कि वो घोड़े लेके आए और हम लोग यहाँ से कुछ घोड़े लेके जाए। 30-35 लोग यहाँ भी घोड़ों के इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे महंगा कितने में बिका? सबसे महंगा घोड़ा भाई जी 65 में गया है, तो कोई 65 का था, कोई 30-35 की रेंज का था, कोई 20-25 की रेंज का था। तो मैं भाई लोगों से निवेदन करता हूँ घोड़े। पशु पॉली क्लिनिक रामपुर प्रभारी डॉक्टर सुरेश कपूर ने बताया कि हर साल 4 से 6 नवंबर तक पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी उत्तराखंड से घोड़े खरीदने व्यापारी आए हैं, कुछ घोड़े भी विक्रेता लाए हैं। एहतियातन विभाग की ओर से पशुओं की देखरेख व उनकी सेवा के लिए 24 घंटे 2 टीमें बना रखी है जो लगातार नजर रखे हुए है। पशुपालन विभाग द्वारा रामपुर शहर में किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते इस अशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया जा रहा है, परंतु फिर भी यहाँ पर इस दौरान काफ़ी घोड़े खरीद फरोख्त के लिए आए हुए हैं। इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से सिर्फ उनके जो अगर कोई घोड़े बीमार होते हैं या फिर कोई चोट लगती है तो इसके लिए हमारे विभाग ने 2 टीमों का गठन किया है जो 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तत्पर है।